हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू कमाई इन्वेस्टर की चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उम्दा स्टॉक CES लिमिटेड के बारे में, जो कि एक BPO और IT की कंपनी है। अगर आप इसके बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको इसमें फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक इन्वेस्टर हूं और मैं भी चाहता हूं कि आप जिसमें इन्वेस्ट करें वो एक बहुत ही सही स्टॉक हो। देखिए, इस स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें फैलाई जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि आने वाले टाइम में 2 रुपये पहुँच जाएगा, 5 रुपये पहुँच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसकी आज हम इन डेप्थ जानेंगे। और देखिए, मेरी इस वीडियो में आप अगर देखना चाहें तो पहले भी मैंने इस स्टॉक पर वीडियो बनाया था आज के 5 महीने पहले, और मैं इस स्टॉक को 5 महीने से फॉलोअप कर रहा हूं। सो मुझे इस स्टॉक के बारे में जितनी भी नॉलेज होगी, जितना भी मैंने इस स्टॉक से सीखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट नहीं किया था मैंने, जस्ट फॉलोअप कर रहा था। एंड देन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो मार्केट कैप 1.60 करोड़ है, जो कि एक वैल्यू में अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही लो मीन्स हम स्मॉल कैप कंपनीज में जोड़ सकते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू है -17.85 करोड़। अगर आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब होता है कि अगर आप इस पूरी कंपनी को बाय कर लेंगे तो आपको अराउंड 17 करोड़ का लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद शेयर्स आपको पता ही है। नंबर ऑफ फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10 रुपीज़ है, ये किस वजह से है। बुक वैल्यू देखें तो 23 है, ये इस वजह से बिकॉज इनके पास जो कैश है वो 19.45 करोड़ है। देखिए, कैश से हमको कोई मतलब नहीं होता है, कैश इनका पर्सनल जो भी एजेंडा रहे वो सब होता है, क्योंकि कैश किसी भी पर्सन के पास 20 करोड़ 30 करोड़ ऑलरेडी बना ही रहता है। कोई अगर थोड़ा सा भी रईस आदमी है तो उसके पास इतना रहेगा। एंड अगर आप देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 74.84% है, ये मैं आपको 5 महीने पहले बताता हूँ, ये अराउंड 50% की इसमें प्रमोटर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की, अब इसमें 74% हो गई है। डेथ फाइव का जो प्राइस है ना, वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। मैं आपको पूरा इंडेप्थ रिव्यू दिखाऊंगा, आपको इसमें लॉजिक भी बताऊंगा कि क्या लॉजिक है, क्यों आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डेप्ट 0 करोड़, जो कि एक थोड़ी सी अच्छी बात है। EPS 3.80, ये सब इतने मतलब बड़ा चढ़ा के इसमें दिखाए जा रहे हैं ना कि विश्वास भी नहीं होता है कि ये रियलिटी में किसी स्टॉक में जो 1 करोड़ का है वो हो सकता है। अराउंड अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये 1 करोड़ का स्टॉक है, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के स्टॉक को कोई भी फ्लक्चुएट कर सकता है। जस्ट लाइक कि अगर आपके पास 2-4 करोड़ रुपये हैं तो आप इस स्टॉक में 50 लाख रुपीज़ या 30 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करके इस स्टॉक को जितना चाहे उतना फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। यही कभी कभी होता है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन इस स्टॉक के बारे में और भी हम ज़्यादा जानकारी ले ही लेते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग वो 74.84% और पब्लिक होल्डिंग 25% है। आप देखें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनकी इसमें 1% होल्डिंग नहीं है, जो कि ये दर्शाता है कि प्रमोटर्स का फुल्ली कंट्रोल है इस स्टॉक पर। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर हम प्रॉफिट और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारी की बात करें तो काफ़ी एक बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बहुत ही एक अच्छा खासा ओवरव्यू दिखाया गया है यहाँ पे। आप अगर देखें तो सही काफ़ी लगेगा आपको ये देखने में कि वह इतना ज़्यादा अच्छा, 2 करोड़ की इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर लिया, 18 करोड़ का इन्होंने इतना टोटल एक्सपेंडिचर इनका काम है, और मतलब इतना ज़्यादा होने के बाद भी इन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट बना लिया। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी, लगेगा कि यार ये स्टॉक तो बहुत ही बेस्ट है। ऐसा और भी इन्वेस्टमेंट की जो चैनल हैं जो इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, इसमें ये है, ये वो आपको अच्छी चीज़ें बता देंगे उसमें कि उसका EPS इतना हाई है, उसका मार्जिन इतना अच्छा है, उसमें बुक वैल्यू 23 रुपये। बट उसके पीछे का रीज़न देखिए आप, जब प्रमोटर होल्डिंग ही अराउंड 74% है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसके प्राइस चार्ट से। देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो इस जगह पे इसकी 50% प्रमोटर की होल्डिंग थी, ठीक है, और मैंने इसको जब फॉलोअप किया तो यहाँ पर इसकी 74% हुई है, और ओनली ऑपरेटर्स एंट्री है या प्रमोटर हैं जो भी हैं ये, इन्होंने यहाँ पर एंट्री बना के एक बहुत ही तकड़ा मोमेंटम खड़ा किया है अपने स्टॉक के लिए, जिसके बाद से स्टॉक का प्राइस बूम अप होने लगा था। इसके बाद पब्लिक ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना चालू किया, कि बिकॉज जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कम रुपए अराउंड 50 से 60 हज़ार रुपये या फिर उनके पास जो कम अमाउंट का होता है वो उसको लगाने के लिए वो एक बहुत ही पैनी स्टॉक ढूंढते हैं। तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि इस स्टॉक को बाय बिल्कुल ना करें, बिकॉज ये स्टॉक अगर 1 रुपये पर भी पहुंच गया तो आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे। ये स्टॉक्स में यही दिक्कत होती है, और आपका रुपये फंसा का फंसा रह जाएगा, देन ये गो डाउन की स्टेज में आ जाएगा और डाउनग्रेड चलता जाएगा। स्टॉक बोलें जो फंडामेंटली हल्के से स्ट्रॉन्ग हो, हल्का सा उनका फंडामेंटल सही रहे, आप उसमें एक पैनी स्टॉक में बना सकते हैं। जस्ट लाइक अभी आप JP पावर देखें, 9 रुपये पर चल रहा है। जस्ट लाइक अभी आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास पैनी स्टॉक में जो मैं अपडेट करता रहता हूं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। बट ये 0.44 रुपीज़ के चक्कर में इसमें मत पड़िए। MPS इन्फोटेक भी एक सही स्टॉक था जो मैंने आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी इसको बाय किया था, बट इस स्टॉक को मैं भी बाय नहीं करूंगा, ना ही आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे आप बाय कीजिए, बिकॉज इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी झोलमझाल लग रही हैं, उसमें मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं इस स्टॉक को लूँ या ना लूँ। तो धन्यवाद, अगर आपको बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो आपको जैसा आपको सही लगे वैसा आप करिए, आपका रुपया है, आपका पैसा है, मेरा काम था आपको बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अच्छे स्टॉक के साथ। धन्यवाद।